नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर मतलब मेजर सेकेंड पेपर माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है? संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि संकुल आयन है ना, हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड आयन्स प्रतिचुंबकी, जबकि संकुल आयन कोबाल्ट F6 अनुचुंबकी है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या इसमें हाई स्पिन या लो स्पिन, या संकरण D2SP3 या SP3D2, ऐसे अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, मैंने इसका लिखा है, थोड़ा सा देखिए आप। इन दोनों आयनों में केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट है, ठीक है ना, दोनों में कोबाल्ट है, CO, जिसकी ऊपर जिसकी उप सहसंयोजन संख्या 6 है। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, मतलब जितने लिगेंड्स कोबाल्ट के साथ जुड़ते हैं ना, जितने लिगेंड, तो वो उसकी मतलब जो बॉन्ड बनाने में सहायक होते हैं कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, मतलब 6 ऑर्बिटल कक्षक भाग लेते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं उप उसकी जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है 6 होती है। इसमें से कोबाल्ट NH3 6 प्रबल लिगेंड, इसमें अमोनिया प्रबल लिगेंड है और कोबाल्ट F6 में जो लिगेंड फ्लोराइड है वो वीक है। इस कारण से क्या होता है कि जो प्रबल लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रांग लिगेंड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं ना, जो प्रबल लिगेंड्स होते हैं वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका पेयरिंग कर देते हैं, इसको भी आगे एग्जाम्पल में समझेंगे, जबकि दुर्बल लिगेंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित रहने देते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन क्या है हमारा, CONH3 और CF6 में एक डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्यों है, समझाइए, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं, ये है CONH3 6 का आयन, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से भरे जाते हैं, जैसे हम कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, कोबाल्ट का यहाँ से लिखा हुआ है एक्चुअली, ये वाला, एक सेकंड, ये है कोबाल्ट NH3 6 3 आयन। इस संकुल में कोबाल्ट 3 के केंद्रीय, एक कोबाल्ट थर्ड जो है केंद्रीय आयन है, ठीक है, केंद्रीय मेटल एटम है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और D7 और 4s2, ये होता है इसके। इसमें कोबाल्ट थर्ड आयन बनने पे विन्यास क्या हो जाता है, 3d 4s 4p, ये हो जाता है, मतलब 4s का खाली हो जाता है। जब कोबाल्ट थर्ड आयन बनता है तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, पहले टी में 7 होते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट थर्ड आयन बनने में 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो यहाँ पर समझते हैं, देखिए आप डायग्राम में। कोबाल्ट परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। 27 मतलब क्या, 4s और 3d, 3d में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, दो रहते हैं, दो यहाँ से निकल जाते हैं, दो और एक तीन, यहाँ पर दो बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये कोबाल्ट में 27 होते हैं, 3d, ये 4s2 और 3d7। तो यहाँ जब कोबाल्ट थर्ड आयन बनता है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं, मतलब यहाँ दो s के दो इलेक्ट्रॉन और d में से एक, तो बचता क्या है, d में 1 2 3 4 5 6 6 बचते हैं, ठीक है, और ये एस और पी है। अब चूंकि क्या है, कोबाल्ट तथा कोबाल्ट थर्ड आयन का विन्यास कॉम्प्लेक्स निर्माण 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 6 लिगेंड द्वारा कोबाल्ट प्रदान किए जाएंगे, इसे स्वीकार करने के लिए कोबाल्ट आयन में 6 रिक्त समतुल्य समकक्ष होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ते हैं, मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इस सेंट्रल मेटल ऑर्बिटल के पास ऐसे 6 ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाली कितने हैं, 4 हैं। चूँकि यहाँ पर अमोनिया जो है स्ट्रांग वो होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रांग लिगेंड्स होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, पेयर्ड कर देता है इस प्रकार से, ठीक है। हमको कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 1 2 3 4 और 5 6 चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड जो, इसमें अमोनिया जो है स्ट्रांग लिगेंड से, इसके कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हो जाते हैं। तो हमें लिगेंड के साथ जुड़ने के लिए
छः ऑर्बिटल खाली मिल जाते हैं। एक दो तीन चार, चार तो ये हो गए। अब अगर स्ट्रक्चर में देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पेड हो गए तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल खाली हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कोबाल्ट का जो विन्यास है, संकुल बनने में छः अमोनिया अणु द्वारा प्रदत्त छः इलेक्ट्रॉन युग्म, दो रिक्त डी कक्षक मतलब इसमें, और एक रिक्त एस कक्षक मतलब इसमें, इस एस दो दो रिक्त डी कक्षक और एक एस रिक्त कक्षक और चार फोर पी में तीन रिक्त कक्षक, ये हमको मिल जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर अमोनिया जो है, ये कोबाल्ट के जो खाली रिक्त कक्षक हैं उसमें अपने एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ना। तो ये इसका आयन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका विन्यास है। इसके आधार पर इस आयन में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इसका नेचर कैसा आता है, प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक। और संकरण में डी कक्षक एस तथा पी कक्षक अंदर वाले कोष की है, जो संकरण बन रहा है इसमें क्या बन रहा है, एस पी थ्री डी टू संकरण। संकरण इसमें क्या, एस पी थ्री डी टू संकरण है, मतलब संकरण में अंदर के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। देखो थ्री डी कक्षक एस तथा पी कक्षक के अंदर वाले कोष की है, इसलिए आंतरिक कक्षक, इसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल। और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो इसकी स्पिन क्या होती है, लो होती है। तो इसकी स्पिन कैसी है, लो स्पिन है। और संकरण क्या हो जाएगा इसका, सॉरी डी टू एस पी थ्री संकरण है, ठीक है ना। संकरण क्या है इसमें, डी टू एस पी थ्री। तो इसमें इस कोबाल्ट इस एग्जांपल में अमोनिया लिगेंड होने के कारण ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए इसको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कोबाल्ट हेक्सा छः लिगेंड है फ्लोराइड के, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है ना। तो इसमें कोबाल्ट का जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सेम उसमें था वैसे ही रहेगा। इसमें क्या होता है, सेवन होता है, थ्री डी सेवन फोर एस टू। तो यहाँ फोर एस टू है और थ्री डी सेवन है, इस प्रकार से भर जाते हैं। जब ये आयन्स बनेगा तो तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसमें से, तो दो यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, ठीक है। तो यहाँ पर फोर एस और फोर बी खाली है। लिगेंड को सेंट्रल मेटम से जोड़ने के लिए छः ऑर्बिटल खाली चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल चार ही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि तो पहले वाले उसमें क्या हुआ था, अमोनिया के स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण से उनने इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है फ्लोराइड जो है वो वीक लिगेंड्स होता है, तो इसको पेयर्ड नहीं कर पाता, तो ये अनपेयर्ड ही रहते हैं, ये अयुग्मित ही रहते हैं। इस कारण से अब उसको दो ऑर्बिटल और चाहिए, किसको, फ्लोराइड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोबाल्ट के पास तो ऑर्बिटल और होना चाहिए। तो वो दो कहाँ से लेता है, 4d से। तो इसका ये एक दो तीन चार पाँच छः, छः ऑर्बिटल को 12 इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ बना देता है ना। तो इसमें अब क्या निकलता है, हाइपोथेसिस क्या निकलता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हाई स्पिन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हाई स्पिन होती है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक अनुचुंबकीय। और चूंकि इसमें बाहर के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इसलिए इसका एक नाम और बोल सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या बाह्यतम कक्षक संकुल। और संकरण में क्या होता है, एस पी थ्री डी टू। तो ये जो क्वेश्चन का जवाब इस प्रकार से है, ठीक है ना। एक में इलेक्ट्रॉन पेड हो जाते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन अनपेड रहते हैं, ठीक है। तो यह आज इतने तो आपको समझ में आएगा। तो कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लेना मुझे, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने शीघ्र ही कल दोपहर को प्रस्तुत होऊंगा। आपने सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।